अगर दोस्तों आपके मोगरा प्लांट के ऊपर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है। आपके मोगरा प्लांट डेफिनेटली ब्लूम करेगा और एक दो फ्लावर नहीं पूरा पौधा ही फ्लावर से भर जाएगा। पॉइंट नंबर वन, यहाँ पर दोस्तों आपको अपने प्लांट को ऑब्जर्व करना है, आपके प्लांट के ऊपर नज़र डालनी है कि प्लांट में प्रॉब्लम क्या है, क्या उसकी लीफ के ऊपर कोई इंसेक्ट अटैक हो रहा है, प्लांट कमज़ोर है, प्लांट की लीफ में कोई फंगस लगा है या फिर उसकी सॉइल के अंदर कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमारा प्लांट बिल्कुल हेल्दी है और एक आध कली इस पर अभी भी अवेलेबल है, इसका मतलब सॉइल में कुछ मिस्टेक है। चलिए सॉइल प्रिपेयर करते हैं। पॉइंट नंबर टू, फर्टिलाइज़र। यहाँ पर मोगरा प्लांट को फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिएंट्स रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है, जिससे मोगरा प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूम प्रोड्यूस करेगा। उसके लिए हम टॉप लेयर की सॉइल रिमूव करेंगे और यहाँ पर न्यू फर्टिलाइज़र के साथ इस सॉइल को फिर से डालेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल खड़ा होता है, कौन सा फर्टिलाइज़र। पॉइंट नंबर थ्री, विच फर्टिलाइज़र। दोस्तों फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम फास्ट रिलीजिंग फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट, और एक और फर्टिलाइज़र है हमारा यहाँ पर काउडंग कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, जो दोस्तों प्लांट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काउडंग कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है अगर वो आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर आ जाएगा, आप इजीली जाकर चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फोर, ट्रिमिंग। जी हाँ दोस्तों, मोगरा प्लांट को ट्रिम करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर मिलने वाले हैं, क्योंकि ट्रिमिंग करने से होता क्या है, हमें बहुत सारी छोटी छोटी न्यू ब्रांचेस मिलती है और एवरी न्यू ब्रांच के साथ हमें फ्लावर बर्ड मिलता है। आप आगे जाके समझ जाएंगे कौन से फ्लावर बर्ड है। यहाँ पर दोस्तों अपने प्लांट की ट्रिमिंग करें और ओवरऑल प्लांट की ट्रिमिंग करें, इससे प्लांट की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है और इसके अंदर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ट्रिमिंग करने के बाद आप अपने प्लांट को अच्छे से वाटर पिला दीजिए, क्योंकि अभी हमने फर्टिलाइज़र दिया है तो प्लांट उस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। पॉइंट नंबर फाइव, फ्लावर बूस्टर। जी हाँ दोस्तों, मोगरा प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करता है, उसके लिए दोस्तों उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सॉइल के अंदर से। वो कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए भी दोस्तों हमें फर्टिलाइज़र प्रिपेयर करना होगा और उस फर्टिलाइज़र का नाम है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र या फिर सरसों खली। सरसों खली फर्टिलाइज़र देने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इसे 24 घंटे के लिए वाटर में डिजोल्व करके रखें, उसके बाद दोस्तों ये रेडी होता है प्लांट में डालने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है, चलिए इसमें थोड़ा सा वाटर मिलाते हैं और प्लांट के लिए इसे छानकर यूज़ करने में निकाल देते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बहुत ही इफेक्टिव फर्टिलाइज़र है दोस्तों, यहाँ पर ये बोगनविलिया हिबिस्कस के लिए भी यूज़ करा जाता है। चलिए दोस्तों हमारा फर्टिलाइज़र रेडी है, इसमें थोड़ा और हम वाटर मिलाएंगे फिर ये प्लांट में डालने के लिए रेडी है। चलिए इसे प्लांट में डाल देते हैं। आप एवरी 20 डेज के बाद मस्टर्ड के एक फर्टिलाइजर का यूज करें, इससे आपके प्लांट में काफी ज्यादा ग्रोथ आएगी और प्लांट में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। आफ्टर 15 डेज हमारे मोगरा प्लांट में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई। चलिए एक बार चेक करते हैं कौन कौन सी ब्रांच के ऊपर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है। मोगरा प्लांट गजब की रफ्तार के साथ दोस्तों बढ़ रहा है, यहाँ पर न्यू शूट्स बहुत सारे इसने प्रोड्यूस कर दिए, मतलब हमें काफी मात्रा में फ्लावर्स मिलने वाले हैं। अब रेडी रहना दोस्तों। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर सिक्स ये है दोस्तों कि येलो लीफ प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे मोगरा प्लांट के अंदर, मेरे साथ भी होती है, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्तों एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना, पत्तियों पर भी और मिट्टी में भी। अगर आपके प्लांट में येलो लीफ आ रही है और अगर आपको ग्रीन लीफ चाहिए, उसके लिए एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं और हमारे प्लांट को और ज़्यादा ग्रीन बना देते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको आधा लीटर लेना होगा, मतलब 500 ml वाटर लेना होगा और उसमें एक चम्मच एप्सम साल्ट डालना है। क्यों है ना दोस्तों, मोगरा प्लांट की केयर करना बहुत आसान और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कैसे लाएं उस पर भी बहुत अच्छी से अच्छी टिप्स शेयर करिए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना,
एप्सम सॉल्ट का स्प्रे पूरे प्लांट पर करना है और प्लांट के साथ साथ आपको सॉइल के अंदर भी डालना है, जिससे प्लांट सॉइल में से भी एब्जॉर्ब कर सके और लीफ के ऊपर से भी एब्जॉर्ब कर सके। आफ्टर 22 डेज हमारा मोगरा प्लांट कलियों से भर चुका है दोस्तों, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। और एक ब्रांच पर एक फूल नहीं दोस्तों, तीन तीन चार चार फूल आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने हमारे प्लांट की केयर करी है, बहुत अच्छे तरीके से इसको फर्टिलाइज़र दिया है, इसलिए दोस्तों ये पॉसिबल हुआ है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर लें, और प्लीज़ अगर आप शेयर कर सकते तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल ज़रूर चेक करना, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है thevanpage_gardening। दूसरे ही दिन हमारे फ्लावर खिलने लग गए दोस्तों, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और अगर आप चाहते हैं सेम एक्सपीरियंस आप लेना, तो सेम टू सेम प्रोसेस आप भी फॉलो करिए और आपका भी मोगरा प्लांट फ्लावर से भर जाएगा।